वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज का वीडियो है एम्बर की ट्रैवल बैग का। मैं एम्बर के बैग में क्या सामान कैरी करती हूँ जो मैं एम्बर के लिए एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए कहीं भी बाहर जाती हूँ। नॉर्मली कहाँ जाती हूँ मैं एम्बर को, आप वीकेंड्स के लिए बाहर जा रहे हैं, संडे आउटिंग्स के लिए जा रहे हैं, या एम्बर के कोई डॉक्टर विजिट है, या आपको जस्ट किसी अर्जेंट काम के लिए, खुद के काम के लिए जाना है तो आप एम्बर को साथ लेके जा रहे हैं, तो तब आपको थोड़ा सा सामान बेबी के साथ हमेशा कैरी करना पड़ता है, लाइक ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो उसके लिए मैं एक बैग है मेरे का हमेशा रेडी रखती हूँ अंबर की कवर्ड में। तो गाइज़ आज मैं वो बैग आपके सामने रिवील करने वाली हूँ, सो इट कैन हेल्प यू एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ दिस इज़ एम्बर्स बैग। ये वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है, ये अंबर को गिफ्ट मिला था। तो आई एम यूजिंग दिस बैग, मुझे ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि आई फाउंड इट लाइक सो मच सफिशिएंट। तो इसमें बेसिकली एक सब यहाँ है, एक सब यहाँ है, एक यहाँ है और अंदर भी बहुत सारी जगह हैं। तो इसमें बहुत इजी हो जाता है एम्बर के लिए सामान कैरी करना, लाइक अलग अलग सेक्शंस में आपको पता होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है। सो लेट्स चेक आउट द बैग। सो गाइस दिस इज़ द ज़िप, इसको चेक कर लेते हैं पहले। इसमें मैं रखती हूँ एम्बर के लिए सैनिटाइज़र, एम्बर के लिए गैस स्प्रे, ये मस्ट हैव्स तो नहीं है बट मैं रखती हूँ क्योंकि एम्बर कभी कभी बिना वजह बहुत क्रैंकी हो जाती है और मुझे लगता है उससे बाहर जाके कभी गैस का प्रॉब्लम हो रहा है या टमी अपसेट है, तो आई कैन यूज़ इट। देन अगेन दिस मॉस्किटो स्प्रे, वो भी मुझे हमेशा नहीं यूज़ करना पड़ता बट कभी आप कहीं बाहर बैठ रहे हो और आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और वन मोर थिंग, ये हनी, इसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं पड़ती है, लेकिन जब एम्बर बहुत छोटी थी तो वो बिना वजह बहुत क्रैंकी हो जाती थी और किसी भी तरीके से नहीं मानती थी, तो तब मैं एम्बर को एक निपल में हनी लगा के उसे दे देती थी, तो वो थोड़ी टाइम के लिए काम हो जाती थी। एंड गाइस दिस इज़ द अपोजिट ज़िप, मतलब दूसरी तरफ बाहर ही है। इसमें मैं रखती हूँ एम्बर के लिए 10 बेबी वाइप्स, हैंकी, बिब्स, डाइपर्स एंड दिस पाउडर एंड वन मोर दिस मेडिकेटेड रैश क्रीम। एंड ये एक बीच की जिप जो है मेन कंपार्टमेंट, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें एक्चुअली इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस हैं जिप एंड ऑल। तो इसमें जो मेन जिप मतलब मेन सेक्शन है उसमें मेंबर का ये सिपर वार्म वाटर के लिए जब मुझे फॉर्मूला मिल्क बनाना होता है, सेकेंड दिस बॉटल एंड दिस एम्बर्स फॉर्मूला में, ये तीन चीज़ें हमेशा इसमें रहती हैं अंदर। एंड उसके साथ ही इसकी अलग अपोजिट एक जिप है, उसमें मैं एम्बर के कुछ क्लोथ्स रखती हूँ लाइक टी शर्ट्स, दिस पिप एंड पजामी एंड दिस डाइपर चेंजिंग मैट कम टॉवल। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है एम्बर के बैग में जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड वन पेयर ऑफ सॉक्स, नॉर्मली तब एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम बाहर गए हैं, एम्बर को फीड करा और एम्बर ने पूरा दूध बाहर निकाल दिया, तो तब से मैं ये मैट और ये टॉल साथ रखने लगी हूँ, अदरवाइज मुझे पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड थर्ड थिंग है गाइस दिस पैसिफायर, मैं अभी एम्बर को दे नहीं रही हूँ बट इसका कलर बहुत क्यूट है इसलिए मैं एम्बर के बैग में रखती हूँ, उसको देख के खुश हो जाती है। सो दिस इज़ द बैग, बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें दो डायपर रखे हैं, आप चार रख सकते हैं, क्लोथिंग एक्स्ट्रा रख सकते हैं, प्लस आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बैग आप हमेशा हैंडी रखें, इसको कभी कबर्ड से निकालें ना, इसमें जो चीज़ें हैं वो इसी में रहें, तो इन केस आपको कहीं अर्जेंट जाना पड़ता है, उतना टाइम नहीं होता है, तो कभी बेबी की बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं फिर आपको बाहर जाकर रियलाइज़ होता है। सो इट बेटर कि आप बेबी का ये बैग हमेशा अपने साथ पैक करके रखें, जब भी आपको ज़रूरत लगे यू कैन टेक इट आउट। सो होप यू लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।